फूड कॉस्ट क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको फिर किसी से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फूड कॉस्ट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। नमस्कार, मेरा नाम संजय झा है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बर्निंग प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाता रहता हूं जो आपके काम को आसान करे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फूड कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इज कंज्यूम्ड टू प्रिपेयर मेन्यू आइटम्स टू क्रिएट सेल। सेल करने के लिए जो रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं या जो जो सामान इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं उसकी कॉस्टिंग को फूड कॉस्ट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेल करने के लिए जो रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं या जो जो सामान इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं उसकी लागत को, कॉस्टिंग को फूड कॉस्ट कहते हैं। ये जो फूड कॉस्ट होता है ना, ये पीरियडिकल होता है। एक पीरियड का निकलता है, एक सर्टेन टाइम का निकलता है। फूड कॉस्ट आप 7 डेज का निकाल सकते हैं, 15 डेज का निकाल सकते हैं या फिर 1 मंथ का निकाल सकते हैं। डिपेंड करता आपके ऊपर कि आपको कब से कब तक चाहिए। जिस पीरियड से जिस पीरियड तक चाहिए उस पीरियड तक में किन किन डेटा की जरूरत पड़ेगी, आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंटरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको परचेज डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर इन डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर आउट डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको सेल डेटा की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि एक सिंगल आउटलेट रेस्टोरेंट ओनर है जिनको मई महीने की फूड कॉस्ट निकालने हैं। 1 मई से 31 मई का फूड कॉस्ट निकालने हैं तो उनको किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी कि 1 मई का ओपनिंग इन्वेंटरी चाहिए, जो 30 अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी वो 1 मई की ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगी। उसके बाद 1 मई से 31 मई तक में कितना सामान परचेज किया उन्होंने उसकी डेटा चाहिए। 1 मई से 31 मई तक में उन्होंने कितने सामान ट्रांसफर इन लिया किसी स्टोर से उसकी डेटा की जरूरत पड़ेगी। 1 मई से 31 मई के बीच में अगर किसी को सामान दिया है, ट्रांसफर आउट हुआ है तो उसकी डेटा की जरूरत पड़ेगी। 31 मई की क्लोजिंग इन्वेंटरी की जरूरत पड़ेगी और 1 मई से 31 मई के बीच में कितना सेल किया है उसकी डेटा की जरूरत पड़ेगी। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का फूड कॉस्ट। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस ट्रांसफर इन माइनस ट्रांसफर आउट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू कंजप्शन, कंजप्शन डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू फूड परसेंटेज। अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं। एक राउंड फिगर में वैल्यू ले लेते हैं। सिंगल आउटलेट ओनर है, ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख की थी, पूरे महीने में उन्होंने 3 लाख का सामान परचेज किया, ट्रांसफर इन आउट है नहीं क्योंकि सिंगल आउटलेट ओनर है, क्लोजिंग इन्वेंटरी 95,000 की है और जो सेल किया पूरे महीने में उन्होंने वो है 9 लाख की। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख प्लस परचेज 3 लाख, टोटल 4 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी 95,000, ट्रांसफर इन आउट है नहीं, इक्वल टू 3,05,000 कंजप्शन आता है। कंजप्शन डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, 3,05,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू फूड कॉस्ट परसेंटेज आपका आता है 33.88%। फूड इंडस्ट्री में आइडल फूड कॉस्ट परसेंटेज 28% से 35% बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं होता।
कई सारे ऐसे क्विजिन हैं, कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी फूड कॉस्ट परसेंटेज 35 एंड अबव होता है, कई सारे ऐसे फूड क्विजिन हैं जिनकी फूड कॉस्ट 28 से भी कम है। बट आइडली अगर 28 से 35% अगर आपका आता है तो बेस्ट फूड कॉस्ट परसेंटेज है। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।